Hello students, wish you a very good morning and welcome to MSG Institute. And as you know very well that it's time of our 8th class schedule. So we study here 8th mathematics. So it is our second lecture of 8th mathematics, that is rational number. So we will discuss here rational number, second lecture. So let's move ahead. So that is our lecture 2 and that will be part 2 of rational number. हमने लेक्चर वन में जो अटेंड किया था रेशनल नंबर में, थोड़ा देख लेते हैं बेटा. हमने पहले बात की थी रेशनल नंबर्स में नंबर सिस्टम की. बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स को जितने भी नंबर्स होते हैं मैथ्स में सभी रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद आए थे इंटीजर. इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 से -इन्फिनिटी तक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं. और जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो ये एक ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, बट इट इज एन इंटीजर, इट इज नीदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है बेटा. सो हमने ये देखा था कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे होता है. जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, जिसकी माइनस में ज़्यादा डिजिट होंगी वो उतना ही छोटी वैल्यू होगी. जैसे हम बात करेंगे माइनस का 1000 बड़ा होगा या माइनस का 100 बड़ा होगा, माइनस का 1000 बड़ा होगा या माइनस का 100 बड़ा होगा. सो माइनस 100 इज ग्रेटर देन माइनस 1000. ठीक है बेटा. फिर हमने बात की थी इंटीजर के बाद में होल नंबर की. होल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, वो होल नंबर होते हैं. और फिर नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग इज व्हाट इज दैट? 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक वो जाते हैं नेचुरल नंबर. फिर हमने कुछ केसेस देखे थे इन चारों को डिस्कस करने के बाद. रियल नंबर के केसेस देखे थे, होल नंबर के देखे थे, नेचुरल नंबर के देखे थे, इंटीजर के देखे थे. एवरी इंटीजर इज रियल नंबर. यस, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर. इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बेटा एवरी इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव वाले होते हैं, माइनस होता है, जीरो होता है. इंटीजर में वो सारे के सारे रियल नंबर में होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी इंटीजर इज रियल नंबर. ओके, अगर हम बोलें कि एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, तो बेटा एवरी रियल नंबर इज इंटीजर इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि बेटा रियल नंबर में तो डेसिमल भी होते हैं, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन वो इंटीजर में नहीं होते. तो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, इट इज रॉन्ग. क्लियर बेटा? फाइन. ओके, उसके बाद हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, तो आगे तो ये रिकॉल कर लिया बेटा. अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम आज रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये रेशनल नंबर होता क्या है? तो बेटा रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर राइट नाउ, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रेशनल नंबर है. मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपको नंबर्स का सिस्टम पता होना चाहिए कि नंबर्स का सिस्टम्स क्या होता है. तो अभी आपको नंबर सिस्टम पता चल गया है. रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, और क्या क्या उनका फंक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, और जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह आपके एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज बात करेंगे हम रेशनल नंबर के बारे में. देखो बेटा रेशनल नंबर क्या होता है? बेटा जी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि एक इंटीजर ऊपर हो सकता है, एक इंटीजर नीचे हो सकता है. ठीक है बेटा. पी बाई क्यू आपको पता है ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है. क्लियर? पी बाई क्यू ये रेशनल नंबर की फॉर्म होती है. पी बाई क्यू बेटा, पी बाई क्यू रटने का नहीं है. एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, एम अपॉन एन भी लिख सकते हैं. ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म है पी बाई क्यू. ठीक है बेटा. तो ये क्या होता है? रेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए. ओके, जिसमें पी एक इंटीजर हो सकता है, क्यू भी एक इंटीजर हो सकता है. तो बेटा पी बाई क्यू, पी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. ओके, पी को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. क्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. ठीक है बेटा जी, क्लियर? डिनोमिनेटर बोलते हैं. बेटा रेशनल नंबर तो पक्का है कि p बाई क्यू होगा, ये तो बिल्कुल सही है. रेशनल नंबर क्या होगा? p बाई क्यू. लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पे बेटा q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. q कभी भी जीरो नहीं होगा, q कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर q जीरो हो गया, अगर ये p बाई क्यू में ये रेशनल नंबर है, ये क्या बेटा? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है. तो बेटा पी न्यूमरेटर और क्यू डिनोमिनेटर. तो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर पी अपॉन क्यू और यहाँ पे क्यू इक्वल जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? पी अपॉन जीरो, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा.
इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन ये होता है मैथ्स में, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर बट क्यू शुड नॉट इक्वल जीरो। आपको पता भी है कि फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल जीरो, ठीक है। क्यू, क्यू क्या है बेटा? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल जीरो, क्योंकि बेटा अगर जीरो डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनडेफिनेट हो जाएगा, क्लियर। सो हमें ये याद रखना है रेशनल नंबर के बारे में। तो बेटा रेशनल नंबर समझ आया? रटने का नहीं है बिल्कुल, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, रेशनल नंबर पी बाई क्यू लिखो, ए अपॉन बी लिखो, सी अपॉन डी लिखो, एम अपॉन एन लिखो, या न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखो। बेटा जी ये रेशनल नंबर होंगे सारे के सारे, जिनको इस फॉर्म में किया जा सकता है। देखो p की वैल्यू 1, 2, तो ये सारे इंटीजर होंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है बेटा, जो नीचे वाला है चाहे वो q हो, वो b हो, वो d हो, वो n हो या d हो, उनमें से किसी की वैल्यू भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सही है बेटा, रेशनल नंबर के बारे में पता चल गया, तो हम एग्जाम्पल्स कुछ ले सकते हैं रेशनल नंबर के। तो बेटा रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2/3 एक रेशनल नंबर है, -1/2 रेशनल नंबर है, 5/7 एक रेशनल नंबर है, 8/3 एक रेशनल नंबर है। लेकिन मुझे बताओ क्या 7/0 रेशनल नंबर है, -5/0 रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है। देखो बेटा इंटीजर 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 इंटीजर, -1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 7 इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है। लेकिन रेशनल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। सही है बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं हम, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेटा रेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं, एडिशन कैसे होता है? तो देखो बेटा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको फ्रैक्शंस में भी आपने क्वेश्चन, आप क्लास 8th में हो, क्लास 7th में आपका सेकंड चैप्टर था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, तो उसमें आपने फ्रैक्शंस, बेटा रेशनल नंबर क्या है? पी बाई क्यू, यही तो फ्रैक्शन है, यही तो फ्रैक्शन है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन का एडिशन होगा वही रेशनल नंबर का एडिशन होगा, टेंशन लेने की क्या बात है, बहुत ईजी है। तो बेटा क्या करते हैं हम, सिंपल एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करेंगे? तो देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 + 8/3 बेटा अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है, अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 3 और सिंपल ऐड कर देते हैं, 2 + 8 = 10/3। आगे बढ़ते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम है, 5/7 + 2/7, तो हम क्या करते हैं 7 लिखते हैं और सिंपल ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, बेटा 7/7 = 1 आ गया, सही है। 18/4 + 6/4, तो बेटा 4 लिख दिया, 18 + 6 कितना हुआ 24 6 आ गया, सही है बेटा। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्लियर। लेकिन बेटा कभी कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? अब फिर देखते हैं हम क्या करने वाले हैं फिर, ओके। तो एडिशन करते हैं रेशनल नंबर का। अभी अगर मैं आपसे एडिशन पूछूं ये क्या होगा, 2 + 3 = 5, ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे ये बताओ 2/3 + 3/6 का क्या होगा? तो बेटा देखो अब यहाँ पे वही फ्रैक्शन आ गया, इसी को रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो ये तो अलग अलग आ गए। अभी जब सेम आ गए तो हमने ऐसे रख दिया था, 6 रख दिया था, 3 रख दिया था और डायरेक्ट प्लस कर दिया था, लेकिन अब तो डिफरेंट आ गए हैं। तो डिफरेंट में क्या करते हैं बेटा उसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इनको हम सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 3 and 6। बेटा 3 और 6 का एलसीएम तो लेना आपको बचपन से आता है, ऐसे करते हैं, ये तो कटेगा नहीं, 2, 3 + 6, अब किया बचा 3, 1, 1, तो 6 का 3 और 6 का लेना, 2 × 3 कितना आ गया 6 आ गया। तो बेटा क्या आ गया 6 आ गया, अभी क्या करेंगे हम 6 आ गया तो बेटा ऐसे अपॉन में 6 कर देंगे, इनका एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, और ऐसे करते हैं 2 ((+3)). सही है बेटा, क्लियर, यहां पे बात समझ आई। ध्यान देना बेटा,
तो बेटा 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 3 इंटू ब्रैकेट एलसीएम 6 लिया। अब एक बात बताओ बेटा, एलसीएम 6 आ गया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थे तो एलसीएम तो 6 आ गया, लेकिन ऐसे लिखा हमने 2, ये वाला 2 लिखा इंटू ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस 3 लिखा 3 इंटू ब्रैकेट बंद कर दिया। बेटा एक बात बताओ, ये 3 है और ये 6 है, एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। तो एक बात बताओ आप बेटा, 3 है ना, 3 को मैं 6 बनाऊंगा, 3 को क्या बनाना है 6 बनाना है, तो मुझे 3 को 6 बनाना है क्योंकि बेटा 6 ले लिया ना हमने एलसीएम। 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। तो बेटा 2 से अगर नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, ये फ्रैक्शन का रूल होता है। अगर फ्रैक्शन की आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमीटर में करनी पड़ेगी, डिनोमीटर में करते हो तो न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी, सही है बेटा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 हो गया, अभी हमें ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी, तो ऊपर किससे करेंगे 2 से, अभी ये 6 है तो ये तो 6 ही रहेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है बेटा, क्योंकि 6 ही बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 तो ऊपर भी 1 से करेंगे। तो समझ आया बेटा इसको क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 6 क्या आ गया 7 अपॉन 6। समझ आया बेटा, क्लियर, ओके। एक बार फिर से अच्छे से चलते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ओके। इसी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा, और आपको आता ही है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक भी नंबर कम ना आए आपका, ठीक है बेटा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे स्कोर आएंगे, उतना अच्छा आपको मैथ्स में मजा आएगा, क्लियर। तो चलिए बेटा करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था इसको सिंपल वाले को तो आप कर लोगे, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2/3 प्लस 3/6, हमें ये बताना है इसका ऐड क्या होगा। बेटा देखो अभी ये तो डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है तो हम पहले इनको सेम करेंगे, सेम करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, वो आपको लेना आता है, 3, 6, 2, 3 जा 6, अभी फिर 3 चलेगा, 1, 1 आ गया, 2 × 3 क्या आ गया एलसीएम 6 आ गया। तो बेटा क्या करेंगे, एलसीएम 6 लिख लेंगे, 6 लिख लिया, अभी क्या करेंगे, 2 × ब्रैकेट 1 प्लस 3 × ब्रैकेट 1। बेटा अब यहाँ पे देखो 6 आया ना एलसीएम तो, लेकिन यहाँ पे क्या था 3 था, यहाँ पे क्या था 3 था, सो यहाँ पे 3 था, 2/3। तो बेटा 3 को मुझे 6 बनाना है तो क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, क्लियर। ऐसे ही जो आपने ये था 6 आया था, बेटा 6 को 6 बनाया तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 में भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि हम जब हमने ये किया तो बेटा यहाँ पे 2 में किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और 3 में किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो बेटा 2 में 1 से 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा क्या हुआ, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 7 अपॉन 6, आंसर आ गया हमारा 7/6, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक तो ये मेथड है, आप इस तरह से ऐड कर सकते हो रेशनल नंबर को, ये है आपका फर्स्ट मेथड। अब बात करेंगे हम बेटा सेकंड मेथड के बारे में, सो सेकंड मेथड विल बी, देखो बेटा सेकंड मेथड देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, 2/3 प्लस 3/6, 2/3 प्लस 3/6, तो हम प्लस कर रहे हैं इनको। बेटा कैसे प्लस करेंगे देखना ध्यान से, जब भी कभी ऐसा होगा कि आपको प्लस कराएगा तो आप क्या करो बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो हम उसकी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, वैसे वो ऐसे वर्क नहीं करता लेकिन फिर भी हम उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, सही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्रॉस, तभी तो क्रॉस बनेगा। और बेटा जी 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे, चलो करते हैं, 2 × 6 प्लस 3 × तो बेटा 2 × 6 प्लस 3 × 3, और मैंने क्या कहा था नीचे 3 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, जल्दी से करते हैं, 6 × 2 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 8, 18, सो 12 + 9 = 21 / 18,
सही है बेटा, कोई से किसी से कट हो रहा है क्या? हो रहा है। 3 7 जा 21, 3 6 जा 8, तो क्या आया बेटा? 7/6। क्या आया हमारा आंसर? 7/6, 7/6, 7/6, 7/6। बेटा जरा चेक करते हैं, क्या ये भी 7/6 नहीं आया था? आया था ना, तो सही है ना बेटा, क्लियर। 7/6, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो आपको समझ आया बेटा। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहें वही यूज़ कर सकते हैं। जब भी रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड काफ़ी ईजी है, जल्दी से हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ, और प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं एडिशन में, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको। चलिए बेटा इसको करते हैं, एडिशन का क्वेश्चन। 5/7 + 3/8, इसका करते हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला था, 5/7 + 3/8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ। डायरेक्ट करें, 5 × 8 + 7 × 3 / 7 × 8। 8 5 = 47, 3 = 21, 6 7 8 = 56, 61/56, 61/56। बेटा इससे छोटा नहीं हो सकता है, यही आंसर आएगा। सही है, क्लियर। इससे छोटा नहीं हो सकता, यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो एडिशन समझ गए होंगे आप। अभी अपने आप क्वेश्चन बना के कर सकते हो, अपने आप क्वेश्चन बना के कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना मुझको। 3/2 + 5/7, इसका आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, वो ये आपका सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन। 3/7 - 4/3। तो बेटा देखो, पहले सब्ट्रैक्शन में सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। बेटा देखो, क्लियर, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, जैसे हमने एडिशन में रखा था। याद मैं दिला देता हूँ आपको बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट रखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट रखते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट रखते हैं। और अगर प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस लिख देते हैं, और माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अभी प्लस का क्वेश्चन है तो प्लस लिखा था, माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस लिखेंगे। 3 - 4, 3 - 4, तो 3 में से तो 4 जाएंगे नहीं, 4 में से 3 गए 1, और -1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8/3 - 2/3, तो बेटा 3 हो गया, 8 - 2 = 6, 6/3 क्या आ गया, 2 आ गया। सही है बेटा, क्लियर। 7/4 - 1/4, तो बेटा 4 7 - 1 6/4, छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। तो बेटा अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस करते हैं। तो हमें क्या पता चला यहां से, अगर आपका क्वेश्चन एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो बेटा अगर सेम होगा तो हम कर ही लेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो हम सेम करेंगे। और कैसे सेम करेंगे? एलसीएम की हेल्प से सेम करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सेम नहीं रखेंगे इस बार, इस बार डिफरेंट रखेंगे और इसमें कुछ सीखेंगे फिर। तो चलिए बेटा, तो आपका जो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, इट इज़ योर क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज 3/7 - 4/3। तो बेटा देखो, इस बार 7 है और एक बार 3 है, इस बार तो सेम नहीं है, तो हम पहले सेम करेंगे। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। 7 एंड 3 का एलसीएम आपको लेना आता है, आप तो अच्छे बच्चे हो। तो बेटा पहले 3 करेंगे, 1, 7, और तो किसी से कट होगा नहीं, 7 सही होगा, 1, 1, तो एलसीएम क्या आया, 3, 7 = 21। क्या आ गया बेटा, 21 आ गया। तो हमें अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 21 लिखेंगे, 21 लिख दिया, 21 लिख दिया 7 और 3 का। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई, तरीका वही है बस, यहाँ पे वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, है ना बेटा, क्या लिखेंगे अभी देखते हैं। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो आप, अभी 7 और 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम आया 21। बेटा 7 को मुझे 21 बनाना है, 7 को क्या बनाना है, 21, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 को मुझे 21 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से डिनोमिनेटर में 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर बेटा मुझे
अगर सेवन में करूंगा तो थ्री पे भी तो करनी पड़ेगी। अगर मैं सेवन में थ्री की मल्टीप्लाई करूंगा, सपोज यहाँ पे देखो, अगर 3/7 मुझे इसको 21 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, तो 3 में किससे करनी पड़ेगी, 3 से। क्लियर? सेम 4/3, 4/3 इसको 21 बनाना है, इसको 21 बनाना है तो इसको किससे करनी पड़ेगी, 7 से करनी पड़ेगी, तो 4 में भी किससे करनी पड़ेगी, 7 से। सो लेट्स राइट इट, 3 3 जा 9, 4 7 जा 28 अपॉन 21। तो बेटा 9 में से 28 नहीं जाएंगे, 28 में से 9 गए 19, बट किसका, माइनस का, माइनस 19 अपॉन 21, माइनस 19 अपॉन 21 इज योर आंसर। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल एडिशन वाला मेथड है, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना, बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने करके दिखाया आपको, फर्स्ट मेथड से करके दिखाया, ठीक है, एक मेथड ये है एलसीएम वाला। एक आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया था एडिशन में, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसी को करके देखते हैं क्या हमने ये क्वेश्चन सही किया है। तो बेटा माइनस है, यहाँ पे माइनस करेंगे, वहाँ प्लस था तो प्लस कर रहे थे। अभी क्या बताया था मैंने आपको, कैसे करोगे, 3/7 माइनस 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 3 3 जा 9 माइनस 7 4 जा, ऐसे किया था ना, अपॉन 7 3 जा, तो बेटा 3 3 जा 9 माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 21, तो क्या आया, माइनस 9 अपॉन 21, आ गया ना सेम आंसर, सही है ना। तो आंसर सेम है, इसका मतलब सेकेंड मेथड भी बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में है। तो बेटा आप जो चाहो मेथड लगाओ, बस अच्छे से आंसर आना चाहिए, और आपको एक लैंग्वेज अच्छे से लिखनी चाहिए अगर अच्छे स्कोर लेने हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो सा अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, क्लियर। तो बेटा एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, 15/2 माइनस 3/5। ओके चलिए बेटा, कोई भी मेथड से कर दो, अगर एक मेथड से करें, एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, तो बेटा 2 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इनका, 10 आएगा। ओके 2, 5 चाहे तो रख के देख लो, 2 1 5 5 1 1, तो 2 5 जा 10 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे 15 इंटू ये माइनस 3 इंटू ये, तो 10 आ गया। अभी बेटा देखो, 2 को 10 बनाओगे, 2 को 10 बनाओगे, 2 को 10 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। 2 को अगर 10 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 15 में भी किससे करनी पड़ेगी, 5 से में, और 5 को 10 बनाओगे तो 2 से करनी पड़ेगी, तो 3 में भी 2 से करनी पड़ेगी। जल्दी से लिखते हैं, 15 5 जा 75, 3 2 जा 6, 75 माइनस 6 कितना हुआ, 69 अपॉन 10, 69 अपॉन 10 हमारा आंसर आ गया है, क्लियर बेटा। चलो हम, तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, इसी को सेकेंड मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या इट इज़ वर्किंग और नॉट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड तो बच्चों वाला मेथड है, वो तो आपको आ गया होगा, 3 अपॉन 5, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो 15 5 जा 75, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, 15 5 जा 75, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्या है बेटा, 69 अपॉन 10, बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, सो इट इज अवर आंसर। और ये बेटा सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ आ गया, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, तो अब आप बन गए हो अच्छे बच्चे। हमें हमेशा, कभी भी हम रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें डिनोमिनेटर सेम रखना होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपल एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो आप एलसीएम वाले मेथड से कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से करते हो, वही मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया, सेम मेथड है, ठीक है बेटा, चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, क्लियर बेटा। ओके सो चलिए अब बढ़ते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन पे, आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं, और ये भी है बहुत आसान। थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई माइनस 16/9, पहला क्वेश्चन। ओके तो बेटा देखो इसको कैसे करेंगे, आपको पता है बेटा ये किसका है, 3/4 प्लस का है, ये किसका है, माइनस का है। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा प्लस का जो है उसको शो नहीं करते हैं, लेकिन प्लस लगा होता है उसमें। अगर 3/4 है, इसका मीन्स यही है कि वो क्या है, वो प्लस का 3/4 है। तो बेटा आपको मल्टीप्लाई में पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई में जो सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, अगर प्लस माइनस का करेंगे तो भी माइनस आएगा, ठीक है बेटा।
तो मल्टीप्लाई का क्या रूल है, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा जी, क्लियर। सेम साइन, सेम साइन नेगेटिव, क्लियर, ओके, सेम साइन प्लस और डिफरेंट साइन नेगेटिव। व्हाट्स गोइंग ऑन दिस, ओके, तो बेटा यहां पे लिखते हैं अच्छे से, मल्टीप्लीकेशन में होगा ये एप्लीकेबल, किस में होगा, मल्टीप्लीकेशन में, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में ये एप्लीकेबल होगा कि अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हो, सेम साइन होते हैं बेटा पॉजिटिव, क्या होते हैं पॉजिटिव, और डिफरेंट साइन होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे देखो बेटा, सेम साइन है, प्लस प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस माइनस है तो भी प्लस आ रहा है, अगर डिफरेंट साइन है, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस आ रहा है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आ रहा है, सही है बेटा। अब आप इंटेलिजेंट बच्चे बन गए तो हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो देखो बेटा एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3/4 × 16/9, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसमें से कुछ कट हो रहा है तो काट दो, देखते हैं कट हो रहा है क्या, 3 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है, 9 कट हो रहा है 3 टाइम्स, 4 से कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है, 4 टाइम्स कट हो रहा है, तो बेटा माइनस, ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 3, ये आपका आंसर आ गया, -4/3, इट इज़ योर आंसर, क्लियर, मल्टीप्लीकेशन समझ आ गया होगा। अब आप अच्छे बच्चे बन गए तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर, (4/8) × (14/6), ठीक है बेटा, इसको कीजिए, तो बेटा इसमें क्या करना है, ये तो बच्चे का क्वेश्चन है एकदम, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, 4/8 × (14/6), क्या कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है बेटा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और छोटा कर सकते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, सही है, 2 × 2 = 4, और तो कट नहीं हो रहा, नीचे ऊपर क्या बचा 7, और नीचे क्या बचा 2 × 3 = 6, 7/6 आंसर आ गया, क्लियर, 7/6 आंसर आ गया। बेटा रटना नहीं है बिल्कुल भी नहीं रटना है, देखो फिर से लिखते हैं, इस बार दूसरे तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन कभी रटी नहीं जाती, कैलकुलेशन तो आपको खुद से आती है, अभी दूसरे तरीके से करते, देखो 4 × 2 = 8, 2 × 7 = 14, ऊपर क्या आया 7, नीचे क्या आया 6, तो भी यही आया, रटना नहीं है लेकिन, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे, -5/8 × (3/25), तो बेटा देखो एक माइनस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा माइनस आएगा, 5/8 × (3/25), बेटा कुछ कट हो रहा है, कट हो रहा है बिल्कुल, 5 से 25 और तो कुछ नहीं कट हो रहा, तो माइनस ऊपर क्या है 3, नीचे क्या आएगा 8, 5 = 40, ये आंसर आ गया, क्लियर, ओके, ये आंसर आ गया। और बेटा एक आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप मुझे आंसर देंगे, 15/3 × -27/105, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, 105, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे, आंसर क्या आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत प्यारा सा मल्टीप्लिकेशन का ही, दिस इज योर क्वेश्चन, -4/5 × -3/8 × 2/6, तो बेटा देखो, पहले देखो आप यहाँ पे ये क्या है, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, बेटा माइनस माइनस प्लस आ गया, इसका क्या आ गया प्लस आ गया, अभी प्लस और प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा ना, तो पूरा साइन क्या निकलेगा प्लस निकलेगा, सो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, -4/5 × -3/8 × 2/6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा, तो बेटा साइन तो प्लस आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं हम, 4/5 × (3/8) × 2/6, 2/6, क्लियर, 2/6 है ये,
तो बेटा जो कट रहा है वो कट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा खत्म, 3 से 2 जा फिनिश। ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है। और नीचे क्या है? 5 है और 2 है, 5 2 जा 10। तो बेटा क्या आया? 5 2 जा 10 आ गया है, 1/10। तो हमारा आंसर क्या है इसका? 1/10। इस तरह से आप और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। -3/8 इंटू -7/15 इंटू -24/18, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं सिंपली, इसका आप कमेंट सेक्शन में देखो बेटा, हम ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के, जैसे 1/2 इंटू 4/12 इंटू 3/4। बेटा चाहे तो आप न्यूमेटर के न्यूमेटर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी तो मैंने आपको कैसे बताया था, दो तरीके से बताता हूँ आपको। एक तो ये वाला 3/4, एक मैंने आपको बताया कि कट कर सकते हो, 4 3 जा 12, 3 से 3 फिनिश, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? 2 4 जा 8, 1/8 आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कट कर पा रहे हो तो बेटा सीधा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो आपस में, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। आप बेटा ये मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, 12 2 जा 24, 24 4 जा 96 आएगा। और जब आप ऐसे 12 का टेबल याद होना चाहिए, 1/8 आएगा। तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे आप, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, छोटा सा फॉर्मूला नहीं है ये, सिर्फ आपको पता है, ओके, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको पता है, पहले से ही आता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, सारे के सारे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया एक बार फिर से, 1/2 इंटू 16/3। तो बेटा क्या करोगे, 16 1 जा 16, 3 2 जा 6, सही है। तो ये आ गया, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से हो जाएगा ना, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 8/3 ये आंसर आएगा, सिंपल करके लिखते हैं, तो ठीक है ना बेटा, क्लियर। सो ये आपका मल्टीप्लीकेशन, ओके बेटा जी, फाइन। तो बेटा आज मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं कि सभी लेक्चर्स के, तो आप उसके 2-3 मिनट में पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इनको कभी भी भूलें ना। और एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मैथ्स इज ए मैजिकल सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड जस्ट बी प्रोग्रेसिव, हैव ए नाइस डे।